अभी आज ये अंकित पांडे उनको दिखा रहे थे उनकी लाइब्रेरी, शायद कादीपुर में पहला उदाहरण है इनकी लाइब्रेरी बच्चों को तो कम मूल्य में या मासिक मूल्य में उन्होंने पढ़ने की जो व्यवस्था दी है वो बहुत सराहनीय। आपका अपना सरप्राइज ऑनलाइन चैनल। अब आज के ब्लॉग में हम कुछ खास और स्पेशल चीज़ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देखिए, हमारे सारे मेधावी बच्चे क्रम से बैठे हुए हैं। हम आपको कार्यक्रम की तरफ ले चलते हैं। एक कार्यक्रम, एक वरिष्ठ शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने कादीपुर में अपने कर्मठता से, ईमानदारी से बच्चों के हित में, बच्चों के भविष्य को वर्णित करते हैं, वो कार्यक्रम का संचालन करते हैं और उनका स्वागत, अभिनंदन और सम्मान हम आने वाले संगोष्ठी में करते हैं। तो उस रूप में श्री डॉक्टर कौरेश भट्ट जी का इस वर्ष सम्मान होगा। और तीसरी मुख्य बिंदु विषय पर संगोष्ठी, विषय रखी गई राष्ट्रीय शैक्षिक उत्थान में नई शिक्षा नीति 2020 की उपाय देता। इस पर कई विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा, विचार रखा जाएगा, विचार प्रस्तुतिकरण होगा, बातें रखी जाएंगी। इसी कार्यक्रम की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए रखते हैं सम्मान समारोह, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जो हम लोगों ने विगत वर्ष में करा और आज उसका जो है पिछले सप्ताह परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उन बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, उनका पुरस्कार वितरण मेडल के साथ, प्रशस्ति पत्र के साथ उन बच्चों का भी सम्मान। कार्यक्रम और इस संगोष्ठी के विषय राष्ट्रीय शैक्षिक उत्थान में नई शिक्षा नीति 2020 की उपाय देता। इसके लिए मुख्य वक्ता के रूप में श्री ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग के साथ, अंतिम आमंत्रण के साथ, अंतिम स्वागत के साथ मैं संचालन हेतु इस वर्ष संगोष्ठी और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अब आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर सतीश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग तुलसीदास जी का। आप मंच पर पहले, आपका स्वागत। और इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। अपील करूंगा कि जो विद्यार्थी और अभिभावक हो उन्हें भी सभा कक्ष में आमंत्रित कर लिया जाए। सुन करके क्या आश्चर्य तो होता ही है और देख करके आश्चर्य होता है कि अपने सीमित संसाधनों में ऐसे बहुत बड़े फलक को लेकर के, बड़े उद्देश्य को लेकर के हम आरंभ हो सकते हैं। एक सार्थक पहल है आपकी, ईश्वर करें आपकी पहल अत्यंत फलीभूत हो। प्यारे बच्चों, बड़े मंचस्थ अतिथियों से देवी की श्री सेवा में उस पर जाने के लिए हम प्रयत्न करता हूँ। आदरणीय आशीर्वाद जटायु जी का और प्रदीप जी का। आपके 50 में 45 बहुत अच्छा प्रतिभा, 50 में 45 अंक।
विचार भी है, प्रेरणा होगी। और एक सौरभी मिश्रा, मुझे ये प्राइस कोचिंग के द्वारा मिला और मुझे बहुत खुशी मिली। कोचिंग की फीस जमा करनी बस 3000 5 12 हमारे लाइन के प्रिंस पांडे सर की तरफ से, मतलब जो ये अशोक चलाते हैं यहाँ पर मैं जब पहली बार आया तो सर ने बताया कि स्कॉलरशिप यहाँ पर चलता है, तो इसको हम दी भरे उसको फॉर्म, फिर उसके बाद मेरा स्कॉलरशिप आया। फिर इसको मैं 11th में एक बार दिया पेपर, फिर उसके बाद 12th में मैं फिर यहाँ से स्कॉलरशिप यहीं पर जमा कर कर मैंने अगली पढ़ाई की। बहुत मेरा नाम है, मुझे क्लास 10th में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला था सर के द्वारा। सर ने बताया कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैंने फॉर्म भरा और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला, और इसके लिए मैं सर की बहुत ही आभारी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि हम अपने, और मेरी छोटी बहन है मैं उसको भी यहीं पे एडमिशन करवाएंगे। मेरी बड़ी बहन यहाँ पर पढ़ चुकी है, उन्होंने एक फॉर्म भरा था और उसका पेपर दी थी, और फिर उसके बाद तो हमको ये चीज चलाता हूँ। बहुत सारी परिस्थितियों के साथ प्रेशर के बावजूद जब भी आदेश मिलता है तो लगता है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए मार्ग संचरण के लिए, नई ऊर्जा के लिए हमको आदेश मिला है। और वहाँ से जाऊँगा तो चार्ज होकर लौटूंगा। सुशील कुमार पांडे सर, अध्यापक साहब से प्रदीप जी, आज में बैठे हुए आशकर और विद्वान श्री मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी, बैठे हुए हमारे अनुज ऐसे पत्रकार और असिस्टेंट प्रोफेसर राणा प्रताप पी जी कॉलेज सुल्तानपुर के डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह रवि, बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है। अभी आज ये अंकित पांडे हमको दिखा रहे थे कि लाइब्रेरी शायद कादीपुर में पहला उदाहरण है कि लाइब्रेरी बच्चों को बहुत कम मूल्य में या मासिक मूल्य में उन्होंने पढ़ने को जो व्यवस्था दी है वो बहुत सारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम लेसर के अतिरिक्त हमको पढ़ाने का समय कहाँ मिलता है, केवल क्लास में पढ़ाते इतने बहुत है। अभी एक चीज पर डॉक्टर भट्ट प्रकार केवल मंच ही बचा है या उनके कवि गोष्ठियाँ हैं सर, इतना बढ़िया ड्राफ्टिंग, इतनी बढ़िया भाषा, बढ़िया चीजें, आप एकदम वाह वाह करेंगे। परिणाम जब आता है तो समझ में आता है बाबू हो क्या रहा है। जैसे जिस समय एक पेंशन की बात, अभी छिन्न परंपरा का निर्वाह करने वाली है जो शिक्षक शैक्षिक संगोष्ठी है, जिसमें हम लोग तो जहाँ तक लगता है हम और डॉक्टर पांडे और प्रदीप भी तो सारी संगोष्ठियों में हम लोग रहे, प्रतिवर्ष रहे हैं। तो पहले लिख करके शिक्षा प्राप्त करते थे, मौखिक वेद उपनिषद सब मौखिक जवानी याद हो जाता था सबको। और इसके बाद फिर चलिए जैसे जटाई जी ने बताया चट्टी घुटाल करके पढ़ते थे भाई, उसको देखा जाता था जो समस्या आती थी
तो कम से कम आपने इतने बच्चों को 3,000-3,500 जो भी छात्रवृत्ति रही हो ये हमें सुनाया दिखाया और सब प्रमाण दिखाया, ऐसा भी नहीं। और डॉक्टर सतीश सिंह के हाथों, डॉक्टर करुणित भट्ट जी के हाथों और रवि जी के हाथों, शर्मा जी के हाथों उनका पुरस्कार वितरण आपने कराया, इससे अच्छा प्रमाण पत्र और क्या वो मिला है। और श्री चंद्रदेव दुबे जिससे हम पढ़े भी हैं भौतिक रूप से, ऐसा नहीं तो कुछ योजना मैंने चलाई थी और कही थी कि आने वाले आगामी समय में हम करेंगे, तो अभी वो पेंडिंग में चल रही है, लेकिन होगा अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो सब कुछ संभव है। हम लोगों ने 717 और एक श्री हनुमत इंटर कॉलेज का 960 बच्चों में एक एग्जामिनेशन कराया था, जिस लोग अभी यहाँ से अगर रेडियस में सोचा जाए तो 100-150 किलोमीटर पे कोई नहीं सोचता है, हमारी ब्रांच ओपन होने वाली आगामी जगहों पर। अखबार रोज अखबार है ना, कंप्यूटर लैब, ये जो एजुकेशन, ये जो हम लोगों की जैसे मथुरा गुरु जी ने बताया कि ये केवल पढ़ाने का उद्देश्य केवल धन मात्र से नहीं होना चाहिए, संस्कार भी डेवलप कराना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें देख के बच्चे सीख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से के लिए जो है करें, और इसके बाद सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कक्ष में चलेंगे, वहाँ पे फल फलाचार है उसको ग्रहण करके हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। सरस्वती सेवा में समर्पित हैं, लगे हुए हैं, तो आपको स्वयं सरस्वती ही आशीर्वाद देंगे और हम लोग तो जो हैं और एक निमित्त मात्र तो हैं ही, दलितों के प्रति मरते उनके गीता गीत ये प्रतीक के रूप में हमारे बाबा हैं, ये इनके बाबा। और क्षेत्रीय साहित्यकारों का पूरा साहित्य यहाँ हमारे फूल मारा अर्पण करके सबको समाहित करते अपने बाबा जी हरी सर के बाबा जी हमारे गांव के महान कवि श्रीमान भाव सिंह जी को। पुराने पर हम लोग इस पर पहुँच गए हैं, श्री एनपी सिंह जो हमारे भी गुरुजी, गुरु सबके गुरुजी के गुरुजी हैं, उनके निवास स्थान पर जहाँ इनको अंगवस्त्र माला फूल और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच अंकित सर और हरी सर के साथ हम भी यहाँ पहुँचे हुए हैं।